मदनंद आश्रम को CDO और SDM की मौजूदगी में कल सील किया गया, जहां पर रहने वाले बच्चों को राजकीय शिशु सदन और आशा ज्योति केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया। इस आश्रम के JJ एक्ट में रजिस्ट्रेशन ना होने के चलते सीलिंग की कार्रवाई की गई। CDO JB रीवा के अनुसार JJ एक्ट में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वह बाल आश्रय स्थल भी सील किए जाएंगे। गौरतलब है कि थाना तमदौला स्थित मध्यानंद आश्रम स्थल में रहने वाली एक किशोरी ने आश्रम की छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया था। किशोरी ने आश्रम में के 3 युवकों पर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया। इसके बाद राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने के दौरे के दौरान आश्रम में आपत्तिजनक वस्तु मिली थी और आश्रम को JJ एक्ट में रजिस्ट्रेशन न होने के बाद प्रशासन के दौरे में आश्रम को सील कर दिया गया। माँ दयानंद अनाथालय है, ये JJ एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं है। 3 दिन के पहले घटना हुई है, हांजी करके एक लड़की सुसाइड अटेम्प्ट की है। उसके बाद ये अनाथालय के बारे में हमने जांच की है DPO साहब द्वारा, तब पता चला इसका रजिस्टर नहीं हुआ है। इसलिए आज इसमें कितने बच्चे है, मतलब 28 लड़के थे और 10 लड़कियाँ थी, सबको हम दूसरी जगह पर शिफ्ट करके दूसरी हमारा होम है सरकारी होम में शिफ्ट करके मैम 2016 में एक जांच हुई थी बाल आयोग द्वारा, उसमें 11 आगरा के ऐसे शेल्टर होम्स थे जो अवैध पाए गए थे, जिसमें से कुल 2 ने रजिस्ट्रेशन लिया, 9 अभी भी अवैध चल रहे हैं। DPO साहब लगातार इसके बारे में जानकारी तो देते हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। नहीं, वो 9 के खिलाफ भी अभी मेरे तरफ से मैं चिट्ठी जारी करूंगी, उन लोग तत्काल रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, फिर उन लोग के खिलाफ ऐसे कठिन कार्रवाई होगी। ठीक, लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।